जय हिंद साथियों, KSGK स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है प्रश्न संख्या एक, मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी ओडिशा, सी सिक्किम, डी मणिपुर। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। प्रश्न संख्या दो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1955, बी 1976, सी 1968, डी 1988। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976 में। प्रश्न संख्या तीन, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? आपके ऑप्शन हैं ए जगजीवन राम, बी चंद्रशेखर, सी चरण सिंह, डी देवीलाल। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चरण सिंह ने। प्रश्न संख्या चार, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पोलो, बी क्रिकेट, सी तैराकी, डी टेबल टेनिस। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिकेट से। प्रश्न संख्या पाँच, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए रानीखेत, बी मुरादाबाद, सी पटना, डी कोलकाता। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रानीखेत की। प्रश्न संख्या छः, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए निमोनिया, बी मलेरिया, सी घेंगा, सी प्लेग। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मलेरिया। प्रश्न संख्या सात, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी बेगम हजरत महल, सी भिखाजी कामा, डी लक्ष्मी सहगल। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भिखाजी कामा। प्रश्न संख्या आठ, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 12 मई, सी 5 जून, डी 9 सितंबर। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जनवरी। प्रश्न संख्या नौ, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? आपके ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी बिड्डी जट्टी, सी गुलजारीला नंदा, डी वीवी गिरी। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गुलजारीला नंदा। प्रश्न संख्या दस, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शन है ए मीर महमूद अली खान, सी उस्मान अली, डी अकबर अली खान, डी नासिर जंग। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उस्मान अली। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे? आपके ऑप्शन हैं ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी लाला लाजपत राय, सी सूर्य सेन, डी जतेंद्रनाथ मुखर्जी। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 12, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1856, बी 1903, सी 1876,
डी 1881। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1876 में। प्रश्न संख्या 13, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एनएफए के नाम से जाना जाता था, सॉरी एनईएफए के नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी नागालैंड। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को। प्रश्न संख्या 14, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंशी प्रेमचंद, बी अगे, सी निराला, डी दिनकर। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रश्न संख्या 15, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी डी बांग्लादेश। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 17, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी स्विट्जरलैंड, डी आयरलैंड। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड की। प्रश्न संख्या 18, प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई। आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1990 में, बी 2 अक्टूबर 1994 में, सी 2 अक्टूबर 1998 में, डी 2 अक्टूबर 1995 में। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को। प्रश्न संख्या 19, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए हड़बाड़ी रेलवे स्टेशन, बी केवड़िया रेलवे स्टेशन, सी भुज रेलवे स्टेशन, डी जामनगर रेलवे स्टेशन। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केवड़िया रेलवे स्टेशन का। प्रश्न संख्या 20, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। ए टाइटन, बी जुपिटर, सी सन, डी अल्फा सेंचुरी। इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जुपिटर। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।